अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आई हूँ फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जवार को उस वक्त वो एक छोटी सी बच्ची लगी जो किसी टॉफी या चॉकलेट के लिए खाने खाने को तैयार हो जाती है। वो सोच के बोला हाँ, और इस एक हाँ पर उसकी आँखों में खुशी के दिए जलने लगे और वो चुप करके खाना खाने लगी। जवार उठ के चला गया। जब वापस आया तो वो खाना खा चुकी थी। वेरी गुड, इतनी जल्दी है तुम्हें आज़ाद होने की। आओ करता हूँ तो आज़ाद तुम्हें, बाहर चलो। प्रीशे ने उसे अजीब नज़रों से देखा और उसके साथ आई लॉज में कुछ लोग बैठे थे। प्रीशे की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। ये हमारा निकाह है आज, प्रीशे के कानों पे एकदम बम फटा। क्या वो शॉक थी। ठीक सुना है तुमने, निकाह है हमारा आज। आप ऐसा नहीं कर सकते आप, वो पीछे हटते हुए बोली। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहा था ना कि ज़िंदगी भर मेरी सूरत ही देखती रहोगी, सारी ज़िंदगी यहीं ही रहोगी। पर आपने कहा था कि मुझे आज़ाद कर देंगे। वो हंसा। कर तो रहा हूँ आज़ाद, तुम्हें हर तरह की आज़ादी होगी, पर मेरे नाम से तुम्हें कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, मैं ये निकाह कभी नहीं करूँगी। मैं किसी की अमानत हूँ, मैं किसी की मंगेतर हूँ। वो उसे बताने लगी कि क्या पता वो उसे छोड़ दे। मुंह बंद करो अपना, वो ज़ोर से चिल्लाया। तुम किसी की मंगेतर थी, अब नहीं हो, समझ आई। तुम मेरी होने वाली बीवी हो, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। मैं ये निकाह कभी नहीं करूँगी, समझे तुम, कभी नहीं। वो ठीक है फिर बगैर निकाह के मेरे साथ रहो। प्रीशे का दिल एकदम सुकड़ा। सोच लो, तुम्हारे पास एक घंटा है, क्योंकि रहना तो तुमने हर हाल में मेरे साथ ही है। ये तुम पर मुनहसर करता है कि निकाह में या निकाह के बगैर। कहकर वो रुका नहीं था और प्रीशे पत्थर की तरह हो गई। वो कमरे में जाके रोने लगी कि क्या हो गया था उसकी ज़िंदगी में, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था उसने। काफ़ी देर हो गई थी यूँ रोते रोते। उसे फवाद का ख्याल आया, कितना प्यार करता था वो उससे। वो क्या सोचेगा उसके बारे में, क्या वो रह लेगी उसके बगैर। नहीं नहीं, मैं ये निकाह कैसे कर सकती हूँ, नहीं। दफ्तर उसकी नज़र अपने बैग पे पड़ी क्लच पे रख गई। मुलाजिम सुबह बैग रख के गया था। वो जल्दी से उठी और क्लच में से मोबाइल निकाला और फवाद का नंबर डायल करने लगी। बेल जा रही थी। फवाद प्लीज़ फ़ोन उठाओ। वो कॉल करने में इतनी मगन थी कि उसे दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ तक ना आई। उसके कान पे लगा फ़ोन किसी ने तेज़ी से झपटा। वो तेज़ी से मुड़ी तो सामने जवार को खड़े पाया। अपने मैके फ़ोन किया जा रहा है, मेरा सेल वापस तो मुझे। वो अपने सेल की तरफ झपटी। जवार ने सेल पीछे कर लिया। नो माई डार्लिंग, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम अपने मैं के फ़ोन नहीं कर सकती। निकाह के बाद हम दोनों मिलके फ़ोन पे सरप्राइज देंगे उन्हें। दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए बोरा प्रीशे का दिल राख हुआ। मैं मर के भी तुमसे शादी नहीं करूँगी, वो फंकारी। लेकिन मैं तो मर के भी तुमसे ही शादी करूँगा। वो कोई जवाब देने ही लगी थी कि उसके सेल बजने लगा। प्रीशे ने फिर सेल लेने की कोशिश की। ज़रूर फवाद ने उसे कॉल बैक की थी। जवार ने स्क्रीन पर देखा, फवाद कॉलिंग जगमगा रहा था। जवार को एकदम गुस्सा आया, लेकिन दूसरे ही लम्हे खुद को पुरसकून किया और कॉल रिसीव की। हेलो परी, परी क्या हुआ, कहाँ हो तुम, कल आने वाली थी ना, मैं वेट कर रहा था तुम्हारा। ओहो साले साहब, प्यार से आप अपनी बहन को परी कहती हैं, नाइस नेम, सूट भी करता है उन पे। वो प्रीशे की तरफ देखकर मुस्कुराया। क्या बकवास कर रहे हो, कौन हो तुम और परी कहाँ है, इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हो साले साहब, आपकी बहन बिल्कुल ठीक है हमारे पास। प्रीशे एकदम बोलने लगी कि जवान ने उसे आंखें दिखाई और चुप रहने का इशारा किया। प्रीशे एकदम डर गई। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी परी को अपना कहने की, बहन नहीं वो मंगेतर है वो मेरी। फवाद को गुस्सा आया। हिम्मत, हा 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 हा, वह कहका लगा कि हंसा। हिम्मत की बात तुम ना ही करो तो अच्छा है, हमारी हिम्मत तो तुम्हारी बहन देख ही चुकी है। वो बार बार बहन का वर्ड यूज़ कर रहा था और फवाद वहाँ गुस्से से पागल हुए जा रहा था। मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा अगर तुमने ये लफ्ज़ दोबारा कहा। कहाँ है परी, फोन दो उसे। फवाद का इतना कहना था कि जवार इतने ज़ोर से धारा कि खुद परीशे भी डर गई। जबान संभाल के बात करो हमसे, तो मलिक जवार हैं हम, तुम मुँह तोड़ दोगे हमारा, इससे पहले टांगे तोड़ देंगे हम तुम्हारी और तुम्हारे जिस्म की बोटी बोटी करके कुत्तों के आगे डाल देंगे हम। दूसरी बात, ये तुम्हारी परी नहीं बल्कि हमारी होने वाली बीवी है। अब ये तुम पे मुनहसर है, इसे बहन बनाओ या भाभी। और हाँ, आइंदा यहाँ अगर दोबारा गलती से भी फ़ोन किया तो हम अपनी बात पे पूरा उतर जाएंगे, और अपनी बात से फिरना हमने सीखा ही नहीं। उसका अमली मुजाहरा हमारी होने वाली बेगम साहब बखुशी देख चुकी हैं। आखिरी जुमला उसने प्रीशे की तरफ देखकर कहा, जो फिर से रोने लगी थी। उसने सेल ऑफ किया और अपनी जेब में डाला और चलता हुआ उस तक आया।
मेरे ख्याल से एक घंटा हो चुका है, तो क्या फैसला किया तुमने? परीक्षा का वो आखिरी दिया भी बुझ गया था, मैं तैयार हूँ उसके सामने, ऐसा कहते हुए वो 100 बार मरी थी। वेरी गुड, काफ़ी अकलमंद हो, चलो। और वो मरे मरे कदमों से उसके साथ चलने लगी। क्योंकि तुम्हारी बदौलत मुझे मेरी बीवी मिली है। इस नावल का अगला हिस्सा मेरी अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरा ये नावल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।